काबीना चार बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग्स की तामीर की इजाजत देगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल को क्लिक कीजिए। कैबिनेट चार बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग की तामीर की इजाजत देगी। मुमकिन है कि वफाकी काबीना इंटरनेशनल एविएशन लॉज की तामील में चार बड़े शहरों में हाई राइज बिल्डिंग की तामीर की इजाज़त देगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मंगल को वफाकी काबीना का इजलास तलब किया है, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों की 16 मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की तजवीज़ को लाहौर, कराची, मुल्तान और पिशावर में बुलंदोबाला इमारतों की तामीर से मुतालिक लेगी। ज़राए के मुताबिक एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान की चेयरमैनशिप के तहत सब कमेटी तश्कील दी गई थी। एक प्रपोजल कमेटी में पेश किया गया जो कि अभी तक मंजूरी का मंतजर है। अपनी तजवीज में जैली कमेटी ने सिफारिश की है कि इंटरनेशनल एविएशन लॉ के कवानीन के तहत हर हवाई अड्डे के 15.24 किलोमीटर के दायरे में कसीरुल मंजिला इमारतों की इजाज़त दी जाए। सिविल एविएशन रूल्स 1994 रूल 68 एक एरोडोम के इर्द गिर्द 15.24 किलोमीटर की हद तक मुख्तलिफ OLS के लिहाज से ऊंचाई की पाबंदी की वजाहत करता है। मजीद ये कि कमेटी ने CDA, LDA और दीगर मुतालिका महकमों को हिदायत की थी कि बिल्डर्स को ऊंची इमारतों के लिए इन शहरों में NOC शराइत से इस्तेसना दिया जाए। जैली कमेटी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल करने के अलावा काबीना नेपरा एक्ट में तरमीम का मामला भी उठाएगी, क्योंकि महकमे ने अपने ऑर्डिनेंस में हाल ही में मंजूर शुदा तरमीम पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है।